الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله استبارك وتعالى تبارك الذي له ملك السماوات تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وقال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بعيهما وإن كذبا وكتما محقت بركه بيعهما متفق عليه وفي الدعاء بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وقال عليه الصلاه والسلام لانس رضي الله عنه يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم تكن بركه عليك وعلى اهل بدر وعلى أهل بيتك قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم وهي النخلة رواه مسلم अलहदीफ़ और कम रसूल सल्लास तमाम तारीफ हर क़सम की बड़ाई और खिबरियाई वज़ वजल अकमकमिन के लिए है जिसअल तबारक व ताली ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा फ़रमाया अबारक वाली जो बरकत वाला है जिससे बरकत होती है और जिसका नाम मुबारक है या बरकत यानि बरकत वाला है सुबह अल्लाह ही सुबहानल्दिम सलातम हो इसके बाद अल्लाह के आखरी नबी रमीन मोहम्मद सल्हस की दात ग्रामी पर के जिन्होंने हम तक अल्लाह का दिन पहुँचाया हर खैर की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई हर शर से हमें आगाह कर दिया एक ऐसा दीन दे गए जिसमें तमाम चीज़ें हैं दुनिया और आखिरत की भलाई उसमें मौजूद है अल्हस महमुहद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد وصلاة کے بعد آج 4 ربيع الأول 1441 هجري متابق 1 نومبر 2019 سوين ख़ुदब जुमा का उर्दो में आपकी खिदमत में ख़ुलासा पेश किया जा रहा है आज हमारे इमाम साहब ने खतीब साहब ने बहुत ही मुफीद जिसकी ज़रूरत तमाम लोगों को है और बड़ा प्यारा मौजू आयतों हदीसों नसूस की रोशनी में मुख्तर बयान किया है उसका उर्दो में ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश है तब जो से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए और हम सब उस पर अमल करें आज का मौजू क्या है खुतबे का खुतबे का मौजू है बरकतें जिसको अरबी में बरक़ात कहते हैं या बराका कहते हैं बरकतें हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बरकत वाली हो माल में बरकत हो औलाद में बरकत हो जिंदगी में बरकत हो अमल में बरकत हो दुनिया में बरकत हो बरकतें सबको मतलूब हैं सब चाहते हैं बरकत लेकिन बरकत कैसे हासिल होगी क्या तरीक़ार है क्या उसके इसबाब हैं और बरकतें कैसी ख़त्म हो जाती हैं इन तमाम चीज़ों का जानना हमारे लिए बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़रूरी है तो आइए जानते हैं इंशाल्लाह शायतों और हदीसों की रोशनी में सबसे पहली बात यह गलत फहमी का इजाला क्या है गलत फहमी मिसअरस्टेंडिंग या गलत फहमी ये है कि बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि माल की कसरत बरकत है माल का ज़्यादा होना ज़्यादा माल कमाना ये बरकत की चीज़ है इसी तरीके से औलाद की कसरत या औलाद का होना इसको बरकत समझते हैं बाज लोग जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना मौजूदा दौर में जो चीज़ें आई हैं इस्तेमाल करने की उन तमाम चीज़ों का आपके पास होना यह बरकतें हैं जबकि यह गलत है यह गलत फहमी है कि माल की कसरत बरकत नहीं है औलाद की कसरत बरकत नहीं है नेमतों का ज्यादा आपके पास होना मुयसर होना ये बरकत नहीं है बरकत अल्लाह की तरफ से होती है बरकत यह है कि माल से फायदा हो औलाद से फायदा हो नेमतों का सही इस्तेमाल किया जाए बरकत का यह मफहम होता है मिसाल बड़ी प्यारी इन्होंने खुतबे के शुरू में दी है आदमी बाजार जाता है ढेर सारा पैसा लेकर अपने जेबों में बहुत सारा पैसा लेकर आदमी बाजार जाता है लेकिन खरीदता है मुख्तसर चीजें ढेर सारे पैसे से थोड़ी चीजें लेता है दूसरी तरफ एक आदमी है जिसके पास बच्चे बहुत हैं लेकिन फिर भी वो तनहा है औलाद है बहुत लेकिन अकेलापन है उसकी जिंदगी में तन्हाई उसको परेशान कर की हुई है तो न वो बरकत न ये बरकत इसके बरखिलाफ इसके बरखिलाफ आदमी के पास थोड़ा पैसा होता है मेहनत से हलाल से कमाया हो उस थोड़े पैसे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो अल्लाह ने इसके थोड़े माल में बरकत दे दी है बच्चे ज्यादा नहीं हैं उसके लेकिन उन बच्चों के साथ वो जिंदगी गुजारता है उन बच्चों से उसको फायदा हो रहा है वो बच्चे उसकी आंखों की ठंडक बने हुए हैं तो ये औलाद की बरकत हुई और वो माल की बरकत हुई तो इस चीज को जहन में रखना इसी तरीके से लंबी जिंदगी गुजरती है साल हा साल आदमी दुनिया में रहता है लेकिन बोझ है घर वालों पर बूढ़ा हो चुका है कई बरस गुजार दिए जिंदगी के घर वालों पर बोझ मोहल्ले वालों पर बोझ और कुछ भी किसी काम का नहीं है वो कोई फायदा नहीं हो रहा है उस दीन को कोई फायदा उससे नहीं हो रहा है उसके बरखिलाफ एक आदमी मुख्तसर जिंदगी गुजारता है थोड़े से वक्त में वो अपने घर वालों को दीन इस्लाम को बहुत सदा फायदा पहुंचाता है बहुत सारी खिदमत करता है अल्लाह ने उस लंबी उम्र वाले की जिंदगी में बरकत नहीं रखी इस थोड़े से या मुख्तर जिंदगी में अल्लाह ने बरकत रखी आज देखिए वक्त किसी तेजी से खत्म हो रहा है साल महीनों के जैसे खत्म हो रहे हैं महीने हफ्तों के जैसे खत्म हो रहे हैं हफ्ते दिनों के जैसे खत्म होते हैं जुम्मा जुमा जुमा देखते देखते अयाम खत्म हो रहे हैं क्या कर रहे हैं हम हमारी वक्त में बरकत नहीं है क्योंकि वक्त में बरकत कब होगी जब वक्त अल्लाह की दाद में सर्फ होगा पता नहीं कैसे हफ्ता खत्म हो रहा है बोलते लेते थे फिर विकंड आ गया फिर जुम्मा आ गया और कर रहे हैं ना आप क्या हमारे जो असलाफ थे रजिय मजमिन रहमत उनके उनका वक्त ऐसे गुजरता था तेजी से आज जिस तेजी से आप पूछे बड़ों को बुजुर्गों को असलाफ को अल्लाह ने उनके औकात में बरकत दी थी उन्होंने अपनी जिंदगी में आज भी अगर बूढ़े लोग हैं पूछिए क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने उनसे उनकी औलाद को फायदा हुआ हलाल मेहनत मेहनत करते हुए उन्होंने हलाल पैसा कमाया माल से नफा हुआ औलाद से नफा हुआ उनके वक्त में बरकत हुई उन्होंने दीन की खिदमत की मुख्तसर वक्त में अपनी जिंदगी के बड़े काम उन्होंने किए बड़ी बड़ी कुर्बानियां बड़ी बड़ी जलील खिदमांत उनकी रही हैं सफर में किताब लिख देते थे शेख उमिन के तौर तो सफर भाई सफर ट्रेवलिंग किताब लिख दी जिस किताब को बाकायदा पढ़ाया जाता है उससे लोग फायदा उठा रहे हैं अल्लाह ने कैसी बरकत दी बताइए रातों में सोते थे जागते थे किताबें लिखते थे हदीसों की तहकीक होती थी मुताला होता था दिन में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी थी दिन में कई काम वो करते थे रिस्क हलाल औलाद की जिम्मेदारी घर की जिम्मेदारी के अलावा दीन इस्लाम की खिदमत उन लोगों ने की है कैसे आज हमारे पास टाइम क्यों नहीं है मतलब उनके पास क्या रात जो है 24 घंटे की होती थी हमारे पास 8 घंटे की हो रही है 10 घंटे की हो रही है ऐसा तो नहीं है ना भाई रात रात दिन दिन मौसम मौसम उनकी जिंदगी में भी 24 घंटे होते थे, थे ना आज भी हमारी जिंदगी में वही है रातें मौसम मौसम उनकी जिंदगी में जो थे वही हमारी जिंदगी में है ऐसा तो नहीं है कि उनको लंबी लंबी बीस बीस घंटे की रात दी गई और हमको मुख्तसर रात मिली है ऐसा तो नहीं है ना सूरज तब भी था आज भी है चांद तब भी था आज भी है मसला क्या है उनकी जिंदगी में उनके औकात में बरकतें थी आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं है वजह क्यों बरकतें छीन ली गई हैं क्यों बरकत खत्म हो गई है हमारी नाफरमानियां हैं अल्लाह से दूरी है दुनिया की बेरगत दुनिया की रगबत ज्यादा और दिन से बेरगबती है ये बात याद रखना कि बरकत का मालिक अल्लाह तबारक वाल है उसके असबाब होते हैं जो आज आपको इंशाला बताएंगे असबाब को देखें इनशाला बरकत होगी आज भी होगी इनशा अगर हम अपनी सलाह कर लें और लौट जाए अल्लाह तबारक वाल की तरफ तो अल्लाह तला हमारे वक्त में भी बरकत देगा हमारे माल में भी बरकत होगा बरकत होगी हमारी औलाद में भी बरकत होगी अल्लाह तबाराक व तआला फरमाता है तबारकलाजी लहू मुल्कु السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون अल्लाह के सिवा किसी चीज में बरकत नहीं है बरकत का मालिक वो उसके नाम से बरकत उसके जिक्र से बरकर उसकी इबादत से बरकत उसको खुश करेंगे तो बरकत होगी याद रखना ये कहीं और बरकत नहीं मिल सकती आप अल्लाह को छोड़ देंगे तो बरकतें हासिल नहीं होंगी अल्लाह फरमाता इस आयत में जो भी मैंने आयत पढ़ी आपके सामने बा बरकत है उसकी जात देखिए बरकत वाली है उसकी जात जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है और आसमान और जमीन की जितनी चीजें हैं उसका भी वही मालिक है और कयामत का इल्म उसके पास है हैयामत कब आएगी और तुम सब उसी की तरफ लौटाओ जाओ लौटाए जाओगे हर चीज जो अल्लाह के नाम से जुड़ी हुई है अल्लाह की तरफ जिसकी नस्बतें हैं उसमें बरकत है अल्लाह ने फरमायाबी का दिल जलाली बरकत है तुम्हारे रब का नाम अल्लाह का नाम बरकत वाला है आप बिस्म्ला पढ़िए बरकत होगी होगी कि नहीं होगी खाने पर पीने पर अपने कामों के आगाज में अल्लाह का जिक्र अल्लाह का नाम इससे हासिल होती है बरकतें उसकी बेशुमार मिसालें देखिए हदीसों की रोशनी में बरकतें हासिल होती हैं अल्लाह के जिक्र से अल्लाह के नाम और इंसान अल्लाह से बेनियाज नहीं है ना हो सकता है हम सब मोहताज हैं अल्लाह के तो अल्लाह ताला की तरफ लौटेंगे उसका जिक्र करेंगे उसको याद करेंगे उसका हक अदा करेंगे तो हमारी जिंदगी में बरकतें होंगी हम अल्लाह से हट दूर नहीं हो सकते हमको जरूरत है हम सबको अल्लाह की एक बुखारी का वाक्य पेश किया अल्लाह के नबी ससम फरमाते हैं अय्यू वाले सलात बरहाना गुसल कर रहे थे तो सोने का जराद उन पर पड़ा तो वो अपने सोना गिरा तो अपने कपड़े में उसको लपेट रहे थे उसको ले रहे थे तो अल्लाह तबार व तआला ने आवाज दी कहा केम अकुन अगन तुम काम मा तारा जो उसमें सोना नजर आ रहा है कैसे मैंने तुम्हें बेनियाज नहीं किया यानी मैंने बहुत सारा माल दिया बड़ी नेमतें तुम्हें दी मैंने तो क्या फरमाते हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बला व वज्जतिक क्यों नहीं अल्लाह तूने बड़ी बड़ा माल बड़ी, बड़ी नेमतें मुझे दी हैं तेरी इज्जत की कसम वलाकिन लेकिन तेरी बरकत से मैं बेनियाज नहीं हो सकता हूँ मुझे तेरी बरकत की जरूरत है इसीलिए इस सोने को भी मैं जमा कर रहा हूँ अल्लाह अकबर ये सही बुखारी की हदीत जिसमें हजरत अलैहिस्सलाम का वाकया कि हम सब अल्लाह की बरकतों के मोहताज हैं अल्लाह की बरकत से बेनियाजी नहीं हो सकती है हमें अल्लाह की जरूरत है लिहाजा अल्लाह का रिस्क अल्लाह तबार व तआला का रिस्क हासिल किया जाएगा और अल्लाह के नाम से बरकतों को हासिल किया जाएगा पैगंबर और अल्लाह की तरफ अल्लाह की तोहिद की तरफ बुलाने वाले ये सब मुबारक लोग थे अल्लाह ने इनकी जिंदगी में बरकतें अदा की थी बाबरकत इनको अल्लाह ने बनाया था किनको पैगम्बरों को जिनकी जिंदगी में नेक आमाल थे जो अल्लाह का, का काम करते थे इसकी मिसालें कुरान में मौजूद हैं ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर गुजरे हैं फरमाते हैं अपने बारे में जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इस आ, इस आयत में इस बात को जिक्र किया वही उन्होंने कहा था मुबारक वी तो हया सुरियम की आयत उन्होंने अपने कौम से कहा था कि अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है जहां भी मैं रहूँ अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है जहां भी मैं रहूँ और अल्लाह ने मुझे नमाज की और जक़ात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा रहूँ मालूम हुआ कि अल्लाह ने को मुबारक बनाया तमाम पैगम्बर बरकत वाले थे मुबारक हस्तियां थी उनकी अल्लाह ने इब्राहिम उनके घरवालों में बरकतों को नाजिल किया जैसा उसकी दलील मिलती है उसकी खबर मिलती है अल्लाह ने फरमाया वो तो ना तो हो भीहाक हमने इब्राहिम को खुशखबरी दी इसहा मतलब इसहााक बेटा होने वाला है नबी अमिन नेक नबी उनको हम बनाएंगे बारही और हमने इब्राहिम की जिंदगी में बरकतें दी वह अला और उनके बेटे उनमें उन से दो किस्म के लोग हैं बाज मोहसिन है तो जो मोहसिन होंगे अच्छे होंगे उनकी औलाद में से उनको हम बरकत वाला बनाएंगे ये मतलब इसकी इसी तरीके से एक और एक आयत है जिसमें इब्राहिम सलाम के घर वालों की बरकत का जिक्र हमें मिलता है अल्लाह ने फरमाया रहमत वरकत फरिश्ते जब आए थे खुशखबरियाँ लेकर इब्राहिम सलाम के घर जब उन्होंने ये बात जिक्र की थी जिसका जिक्र इस आयत में हमें मिलता है रहमत वरकत हमीद मजीद अल्लाह की रहमत आप पर आप लोगों पर और अल्लाह की बरकतें ए अहले बैत ए इब्राहिम के घर वाले घर वालों आप पर अल्लाह की रहमतें हैं और अल्लाह की तरफ से बरकतें हैं यकीन अल्लाह ताला तारीफ के काबिल और बुजुर्ग है हमारे नबी अलैहिस्सलाम खुद दुआ करते हैं अल्लाह से अल्लाह ने हमारे नबी मोहम्मद महम को बरकत वाले नबी बनाकर भेजा और उन्होंने बरकत जो कि बड़ी अहम नेमत है हम सबके लिए जरूरी है उन्होंने अल्लाह से बरकतें भी मांगी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि इस दुआ से हमें मालूम होता है नबी नबीम दुआ करते थे और फरमाते थे वारिकली फीमा है ना दुआई कुनूत में वबारिकली फीमा मेरे अल्लाह जो तूने मुझको अता किया जो भी तूने मुझे दिया है उसमें मेरे लिए बरकत रख अल्लाह से हमारे नबी नबीसम ने बरकत मांगी है क्यों क्योंकि बरकत देने वाला अल्लाह ही है लिहाजा अल्लाह से जुड़ना Allah अल्लाह से कायम रखना और उससे बरकतें मांगना कुरान अल्लाह तबारा को तला ने नाज़िल किया है एक कलाम है जो सरापा बरकत है अल्लाह आपको बरकत चाहिए कुरान पढ़ी ये कुरान जो अल्लाह का कलाम है ना जिसकी तिलावत रोजमर्रा जिंदगी में होनी चाहिए मसाजिद में मदारस में घरों में इसकी तिलावत होनी चाहिए क्यों क्योंकि ये किताब बरकत वाली किताब है अल्लाह ने फरमाया वहादा मुबारक रोन हमने इस किताब को कुरान को बरकत वाला बरकत वाला जिक्र बनाकर उतारा है तुम इसका इनकार करते हो मालूम हुआ कुरान तो अल्लाह का कलाम है ये बरकत है इसी तरीके से बरकत चाहिए सुनिए हदीस अल्लाह बिजनेस करो तिजारत करो हलाल है तिजारत बेहतरीन चीज है हराम है बै और शरा तजारत है, कमाई का बेहतरीन जरिया है जब चाहे दुकान खोलिए जब चाहे दुकान बंद कीजिए आपकी दुकान है कारोबार आपका है बिजनेस आपका है लोग कारोबारी बहुत हैं दुनिया में आज बिजनेसमैन बहुत हैं, तुजार बहुत हैं, छोटे बड़े है ना लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है ना कहते हैं बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है फायदा नहीं हो रहा है बिजनेस में खत्म हम बोरिया बिस्तर लपेटने वाले हैं क्यों बोरिया लप... बोरिया क्यों उठा रहे हो लपेट रहे क्यों भाई क्यों आपके तिजारत में बरकत नहीं हो रही है कुछ है फिर क्या सुनिए को तिजारत में बरकत होती है कब तिजारत में फायदा होगा कब सुनिए मोहम्मद रसोल फरमाते हैं

आप बेचते हो मैं खरीदता हूं हा? एक कंपनी आपको बेचती दूसरी कंपनी आपसे खरीदती है एक कंपनी बेचती है एक कंपनी खरीदती है ये चलता है ना खरीदो फरोख्त सेलर बायर अल भे आने सेल्लर और बायर बायर सही है चलो बेचने वाला खरीदने वाला दोनों को इख्तियार है जब तक अलहदा ना हो वो लोग डील हो रही है भाई कारोबार हो रही है हाँ भाई क्या है आपकी कंपनी में हम भाई ये बेचते हैं ये बनाते हैं हम ठीक है भाई हमको ये चाहिए या फर्दी हाँ भाई कपड़ा हाँ कपड़ा खजूर फला दुकान ये वो फल फलों की तिजारत इसकी तिजारत हलाल तिजार हल अब दोनों को इख्तियार है बेचने वाले को और खरीद वाले को कब तक डील हो रही है टेबल पर बात हो रही है बैठे हुए हैं मजलिस से जब तक दोनों अलग अलग ना हो डील हो गई बातचीत हो गई अलग हो गए खत्म अलग होने से पहले अभी बैठे हुए हैं इख्तियार है नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई रेट ज्यादा है रेट कम कीजिए बातें हो रही है रेट पर कीमतों पर आपस में इतफाक हो रहा है तो इख्तियार है दोनों को ने फरमाया कब तक जब तक दोनों अलग ना हो अब सुनिए बरकत के लिए क्या फाइन अगर दोनों ने सच कहा क्या कहा? क्या अंडरलाइन सच्चा झूठ नहीं सच मतलब शाद भाई सच मतलब झूठ सच मतलब सच सच बोलना बेचने वाला सच बोलना असली है साहब बिल्कुल कोकन से लाया हुआ रत्नागिरी का आम है अच्छा रत्नागिरी का आम है नाम दे रहा हूं कोकनी वो रत्नागिरी इंडिया में जो है रत्नागिरी कोकन है तो वहां का जो है आम जो है मशहूर होता है कहते हैं भाई असली आम होता है वो आपूस आम क्या बोलते हैं बहुत सारे नाम है उसके बहाल नाम आमों के तो असली है बिल्कुल झाड़ का आम है जब झाड़ का आम कारपेट आम नहीं है झाड़ का आम है सच कहा मिसाल मैंने दी सादा का दोनों ने सच कहा बेचने वाले ने और वह बयाना और वाजह किया चीज छुपाया नहीं क्लियर जो है वो है सच्चाई और क्लियरिटी सच्चाई और हकीकत बयानी अगर ऐसा हुआ प्यारे नबी मोहम्मद अल्लाह ताला उन दोनों की तिजारत में बरकत देगा बेचने वाले के जो बेचकर पैसा लेगा उसमें बरकत खरीदने वाला जो माल लेगा उसमें बरकत दोनों में बरकत कब सच्चाई और वजाहत हकीकत बयानी आगे हदीस खत्म नहीं वही इनका कतामा अगर दोनों ने झूठ बोला बेचना था पैसा भाई अब, अब कारपेट आम बोलेंगे तो लेगा ये कॉटन असली बिल्कुल पाकिस्तान का असली कॉटन है साहब झूठ बोल रहा है असली कॉटन नहीं है हंड्रेड क्या बोलते हंड्रेड परसेंट कॉटन फैक्ट्री से मैं लाया हूं झूठ बोल रहा है इन कदाबा अगर दोनों ने झूठ बोला छुपाया क्या छुपाया क्या छुपाया हकीकत छुपाया इसको नहीं मालूम ना खरीदने वाले को इस कंपनी को नहीं मालूम पता नहीं कहां है वो अब उसको क्या मालूम ये माल जो आ रहा है वो, वो चाइना में है वो ये जाके देखा क्या वो असली सही है ये नहीं है यकीन कर लिया साथी की बात पर वह इनका दाबा वक्का तमा अगर दोनों ने झूठ बका

सच्चाई जिसको ईमानदारी भी बोलते हैं बाज लोग सच्चाई और हकीकत बयानी है तिजारत की लाइन में झूठ फरेब है, है पेटी ऊपर अच्छा-अच्छाम कच्चा कच्चा आम एक पीस ला के बताता कॉटन अरे ये तो जबरदस्त असली कॉटन उसके पीछे जो कपड़ा आने वाला है वो असली नहीं है धोखा भाई आदमी कितना चेक करेगा कितनी तहकी करेगा बाद में पता है मा, माल है, माल कच्चा है 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 खराब चीज असली नहीं धोखा दे दिया असली हमें होगी कितना पैसा लोगे पैसा लेगा भाग गया अल्लाह अकबर आज जो मार्केट का हाल है जो मतलब दुनिया की मार्केट की बात कर रहे हैं ये चीज ना हो तो बरकतें नहीं होंगी लिहाजा सच्चाई और हकीकत बयानी होनी चाहिए बाज लोग बोलते झूठ बोलते मैं बोल रहा हूं साफ मार्केट में झूठ बोलना पड़ता है मार्केट में झूठ बोलना पड़ता मतलब अरे झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार नहीं चलेगा दूसरे झूठ ये खुद झूठ है नहीं झूठ बोलना पड़ता आप असली बोलेंगे तो लोग नहीं लेंगे एक आदमी ने कहा था में, आप असली असली माँ असली बोलेंगे नहीं लेगा अब तगलीरी को झूठा डुप्लीकेट को असली बोलो ले लेगा असली को नहीं लेता बोलता अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं आप झूठ से कारोबार चलेगा नहीं पूरी दुनिया झूठ बोलती है तो दुनिया जहान में जाएगी तो आप भी जाएंगे दुनिया जलेगी तो आप भी जलेंगे अरे दुनिया जा रही है चलने साथ आप मुझे क्यों रोक रहे हैं मैं भी जा रहा हूं जहां में जलने के लिए ऐसा तो नहीं बोलते आप जब जलने का मसला है तो नहीं 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 अरे आग लगी है लोग जल रहे हैं जाइए ना है? पूरी बिल्डिंग में आग लगी है जाइए जाएंगे आप भागेंगे वहां से दूर क्यों नहीं जा रहे भाई दुनिया पूरी बिल्डिंग जल रही है सामान जल रहा है लोग जल रहे हैं अल्लाह महफूज रखे मुझे और आपको हमारे माल को हमारी जायदाद को हमारी चीजों को अल्लाह तला हिफाजत तो क्या जाएगा इंसान जलने के लिए वहां धुआं देखकर भाग जाएंगे लोग धुआं निकलता तो भाग जाते हैं लोग क्यों भाई जब दुनिया झूठ बोल रही है कारोबार में तो आप क्यों झूठ बोल रहे हैं अल्लाह का डर नहीं है यह बहुत अहम चीज है इसी तरीके से इस दिवाजी जिंदगी अगर तकवे पर कायम होगी तो अल्लाह तला उस मिया बीवी के जोड़े में भी बरकत अता फरमाएगा निकाह एक जरिया है जिससे जिंदगी में मियाँ बीवी की बरकतें हासिल हो सकती हैं दुल्हा दुल्हन को देने वाली दुआ पर गौर कीजिए लेकिन दुआ ने। मुबारक मुबारक पकड़ के दबा से हमारे पास के गले हैदराबाद के बहरहाल है वो अलग ही गले हैं वो सलाम मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो गई शादी आ गए, गए हमारे जुमले देखिए हदीस में अल्लाह के नबी सुन में फरमाया बारक अल्लाह दुल्हा दुल्हन को ये पढ़ो मुबारक साहब मुबारक साहब क्या है और आगे हमारी लाइन में ओ माशाल्लाह शादी हो गई क्या बात है दूल्हे बन गए अरे दूल्हे बन गए क्या बात है शादी हो गई ये साइड में रखिए ये हराम नहीं है जुमले दुआ दीजिए दुआ एक मैरिड लाइफ शुरू करने जा रहे हैं ये लोग इस दिवाजी जिंदगी जिससे घर बनेगा उम्मत आएगी दुआ दीजिए क्या दुआ याद भी नहीं है दुआ धूल्हाुल्हन को देने की क्यों अरे आपको याद नहीं है कहाँ है अम्मी भी नहीं याद दिलाए अब्बा भी दिलाए और उस्ताद भी नहीं याद दिलाए सारी चीजें याद हैं साथियों के नंबर याद हैं ये दुआ याद नहीं बारक बारक अलैकुमा व जमा फी खैर छोटी सी प्यारी सी बरकत की दुआ दुल्ला दुल्हन के देने के जिसका तर्जमा क्या है बारक अल्लाह अल्लाह आप दोनों को बरकत दे कौन दोनों दुल्हा और बारक दुल्हाबारक आप पर बरकतों का नजूल फरमाया और खैर से आप लोगों को जमा करें घर में दाखिल हो घर में बरकत खत्म हो गई साहब ठीक है घर में खत्म खत्म हो गई क्यों खत्म हो गई आपने इस्बाब नहीं अपना है ना अल्लाह देता है बरकतें बरकतों का नजूल होगा घरों में बरकतें होंगी लेकिन उसके इसबाब पे तो अमल करें अल्लाह को याद करें अल्लाह का नाम तो लें तब बरकतें आएंगी इनशा लेकिन हम तावीज फलीतों में बरकतों को तलाश करते हैं शिरकियात बिदात खुराफात के रास्तों पर चलते बरकतों हासिल करने के देखिये अनसरदी अल्लाह तुनो एक सहाबी है प्यारे नबी सरम ने क्या फरमाया उनसे फरमाया बेटा जब तुम घर जाओ तो सलाम करो क्या करो सलाम तो इससे क्या होगा तुम पर भी बरकत होगी तुम्हारे घर वालों पर भी बरकत होगी इमाम तिरमिद सलाम करना सलाम करके जाते हैं। अब जाते भी जुमा खत्म जाएंगे ना घर पे क्या हम सलाम करते हैं घर में जब दाखिल होते हैं सलाम असल वरहमत लरक इससे बरकत आ गई सब है क्योंकि अल्लाह का नाम ले रहे हैं आप दुआ दे रहे हैं अल्लाह अल्ला के नामों में से एक नाम है सलाम नाम रखा जाता है तो ये एक चीज है जिससे इंसान जो है बरकत को हासिल कर सकता है इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम देते थे बरकतों को कैसे पाया जाए कैसे हासिल किया जाए आमाल हों तरबियत करते थे उन लोगों ने अमल किया अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी में बरकत था फरमाई इसके एक मिसाब से मुस्लिम के हदीस से अबू बकर मशहूर वाक है अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं तुम में से किसने आज रोजा रखा एक दिन के काम देखिए बरकत देखी अल्लाह तुम में किसने आज रोजा रखा कौन जनाजे में शरीक हुआ किसने मिसकिन को खाना खिलाया कितने हो गए तीन किसने बीमार की ती की कितने चार अबो बकर सिद्दीक तो हैं मैंने ये सारे काम आज कर लिए एक दिन में इतने काम कर लिए हमको तो रोजा सिर्फ रमजान में याद आता है हमको रोजा कभी याद आता रमजान में और बीमार कोई बड़ा बॉस मुदीर जिससे फायदा होता है काम बन जाएगा वो बीमार हो तो हमको तीमारदारी याद आती है कोई बड़ा फौत हो जाए तो हमें जनाजा याद आता है या कब्रस्तान याद आता है मिसकिनों को खाना खिलाने का तो छोड़ दीजिए आप जब तक के फतवा ना मिले हमें वो कैसा फतवा हामिद भाई फतवा मिसकिनों को खिलाइए गरीबों को इनशाला आपका कारोबार अच्छा होगा बरकत देगा अल्लाह ताला और आपकी प्रॉब्लम भाई बहुत परेशानी हो रही शेख साहब खारि साहब हाफिज साहब उफ्ती साहब बहुत परेशानी हो गया अल्लाह के रास्ते में सर अच्छा सदखा खेरा कर परेशानियां खत्म हो जाएंगी अच्छा आओ भाई मिसकिन कहा है मिस्किन को क्यों अपनी परेशानियों को दूर करवाना चाहता है और उसको फतवा दिया गया है कि आप मिस्किन को खाना खिलाओ अल्लाह ताला खुश होगा अल्लाह राजी होगा को खाना खिलाओ अल्लाह आपकी मुश्किलों को दूर करेगा तो उसको, उसको उस वक्त अच्छा मेरी घर की खत्म हो जाएंगी खाना खिला तो एक को खाना खिला दो एक टाइम का उससे पहले मिस्किन याद नहीं आया ये हमारी जिंदगी का हाल अल्लाह माफ फरमाए अल्लाह हिदायत में तोहफिक में अबू बकर सिद्धिक सारे काम करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई फरमाया मज तमी दखल किसी इंसान की जिंदगी में ये चार चीजें हो जमा हो जाए वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा यह है इंसान की जिंदगी की बरकत अल्लाह तबारक को ताला माल में बरकत कब देगा जब वो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाएगा ज्यादा भी हो कम भी हो अल्लाह उसमें बरकतें बरकते देगा जब उस माल से फायदा होगा हलाल रास्तों पर जैसे माल की जकत है निकालिए माल में बरकत होगी माल से सबका खैरात कीजिए खुरबा फकरा को याद रखिए तो अल्लाह ताला आपके थोड़े से माल में भी बरकत देगा पचास रियाल पांच सौ रियाल का, का काम करेंगे पचास रियाल पांच सौ रियाल बन जाएंगे कब बोलते ना पा, पचास पांच सौ कैसा बनते हैं? बोलो कहाँ डालना लोग डालने की चक्कर में रहते हैं पांच सौ पांच लाख चले जाते पूरे पचास अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए अल्लाह पांच बना देगा आपके उस माल को इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अल्लाह तबार को बरकत देने वाला है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में बरकत होती है इसी तरीके से पाँच चीज़ों में अल्लाह तबारक ने बरकत रखी है जिसका जिक्र नसूस से हमें मिलता है जैसे जमजम हाँ ये जमजम नहीं है वैसे जमजम जमजम में अल्लाह ने बरकत रखी है माओ जमजम ये चाहे जमजम है अलहमदिल्ला आप तो जद्दा वाले हैं सऊदी अरब में रहने वाले तो बड़े खुश होते हैं जिनको जब चाहे स्पेशली जो हरम के करीब रहते हैं जब चाहे जमजम ला सकते हैं पी सकते हैं अल्लाह जजाय कर दे हुकूमत को भी सोच की जिन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा है फैक्ट्री रखी है आप जाइए भर भर के लेके आइए साहब पंद्रह दिन में एक मरतबा जाइए एक ही खामे पे चार डब्बे आपको मिल गए कितने बच्चे डब्बे माशा पीजिए पिलाइए घर वालों को अल्लाह ने इसमें जो है बरकत रखी है किसमें जमजम में ठीक है जिसके लिए लोग तरसते हैं और ख्वाहिश करते हैं अल्लाह तबारक वाली ने इस माल इस पानी में जो है बरकत रखी है इसमें कोई शक नहीं है इसी तरीके से बाज जगहों में अल्लाह पाक ने बरकत रखी है जो नुस से साबित है जैसे जगहों में जैसे मदीना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बारे में दुआ की थी मदीना बरकत का शहर है मक्का बरकत का शहर इब्राहिम ने मक्का के लिए दुआ की मक्का के लिए इब्राहिम हमारे नबी मह ने मदीना के लिए दुआ की और फरमाया फरमा अलबाराना फी अल्लाह हमारे मदीने में बरकत अता फरमा हमारा मदीना मतलब मदीना मुनवरा जिसको कहते हैं मदीना नबोया बारिक लानाफी साधना और हमारे सा और तोलने के उस जमा जैसे आज तोलने की चीजें होती है ना वजन करने की चीजें तो वजन करने की सा एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट था जो यूज़ किया जाता था उसमें और मदीना में अल्लाह हमारे नबी सुन ने दुआ की बरकत और मदीना भी बरकत वाला शहर है शुमार अल्लाह इसी तरीके से मुबारक बना दिया है लोग जो की एक शब होती है कुरान को, मुंद्री, को बरकत वाली रात में उतारा है यकी हम डराने वाले हैं इसी तरीके से अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया गया वो बक्का में है मक्का का एक नाम बक्का भी है और वो मक्का में है मुबारक अल्लाह ने फरमाया वो बरकत वाला मस्जिद हराम हरम जो है बरकत आलमीन और दुनिया वालों के लिए इसमें हिदायत है इसी तरीके से शामस्तान में भी अल्लाह ने बरकत रखी है इसकी भी दलील से मिलती है ये भी वो शहर यह बस्तियां हैं जहाँ जो बरकत वाली हैं जिस ने इस आयत में बयान फरमाया पाख अल्लाह की जिसने अपने बंदे यानी मोहम्मद को तो रात में जो ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जिसके गर्द में अतराफ में हमने बरकतों को नाजिल कर दिया ताकि हम अपनी निशानियां उनको बताएं यकीन अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है मस्जिद अक्सा कहाँ है मालूम है आप फलस्तीन में तो मस्जिद अक्सा के अतराफ में जो तो मुल्क शाम मुल्क फलस्तीन वगैरह फलस्तान आता है फलस्तीन ही में है वो बेतुल मस्जिद अक्सा ठीक है तो वहां अल्लाह दबारको तो तला ने बरकत रखी है इसका जिक्र इस आयत से हमें मालूम होता है इसी तरीके से यमन यमन में भी अल्लाह तला ने बरकत रखी यमन भी बरकत वाला मुल्क है जैसा कि सलाम ने इस दुआ में अल्लाफी हमारे यमन में तो बरकत को नाजिल फरमा या बरकतों को नाजिल फरमा इसी तरीके से बारिश का पानी जैतून फल ये सब मुबारक चीजें हैं बारिश का पानी है वो मुबारक है बरकत वाला पानी इसी तरीके से जैतून फल उसमें भी बरकत है और इसकी दलील कुरान की आयतों से मिलती है शरक़ीनारी तरीके से घोड़ों में जानवरों में से जानवर तो बहुत खा रहे हैं लेकिन जिसके बारे में हदीस मिलती है बरकत के लिए बरकत की जो हदीस आती है कि जिस जानवर में बरकत अल्लाह ने रखी है वो है घोड़ा घोड़ों में अल्लाह ने बरकत रखी अल्लाह के नबी वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने घोड़ों में क्यामत तक के लिए बरकत रखी घोड़े की पेशानियों में मतलब घोड़ों में मतलब अल्लाह ने क्यामत तक बरकत को रखा है इसी तरीके से दरख्तों में से एक दरख्त है जिसको अल्लाह ने मुबारक बनाया है बरकत वाला है झाड़ कौन सा खजूर का झाड़ सही मुस्लिम की हदीत है अल्लाह के नवी सल फरमाया बरकत हु दरख्तों में एक दरख्त ऐसे है जिसमें मुसलमान की जिंदगी में मुस्लिम जो पाबंद होता है इस्लाम पर अमल करने वाला उसकी ज़िंदगी में जो बरकत होती है मुसलमान में वैसी बरकत अल्लाह ने एक झाड़ में रखी है एक दरख्त में रखी है और वह है खजूर का झाड़ खजूर का झाड़ बरकत वाला झाड़ है यह सही मुस्लिम की हदीस है तो मालूम हुआ कि बरकतों का मालिक अल्लाह है अल्लाह के नाम से बरकतें होती हैं अल्लाह के जिक्र से बरकतें होती हैं तो अल्लाह तबारक तआला जिस चीज में चाहे जितनी चाहे बरकतों को रख देता है माल की बरकत औलाद की बरकत माल की बरकत यह है कि उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए माल का हक अदा किया जाए तो थोड़ा भी हो तो वो ज्यादा काम करेगा क्योंकि अल्लाह उसमें बरकत देगा औलाद में बरकत कब होगी जब औलाद की सही तरबियत की जाएगी उनकी दीनी तरबियत दीनी माहौल उनको दिया जाएगा तो वो औलाद आपके लिए बरकत वाले हो जाएंगे कि आपके गुदनिया से जाने के बाद भी वो औलाद आपके हक में दुआएं करेंगे उस औलाद में ताला आपको बरकत देगा जिंदगी में बरकत हमारी कब होगी जब हमारी जिंदगी अल्लाह की तात और फर्मा में सर्फ होगी औकात में हमारे लिए बरकत कब होगी जब हमारे औकात हराम चीज़ों से बचते हुए अल्लाह की तात और फर्मबरदारी में सर्फ होंगे और बाद चीजों में जैसे बरकतें रखी गई बता दिया गया मक्का मदीना शाम यमन फलस्तीन इसमें बरकतें हैं ठीक है इसी तरीके से खजूर के दरख्त में जमजम में जैतून में बरकतें हैं घर की बरकत आप अल्लाह का नाम लेकर दाखिल हो जाइए आ, सलाम कीजिए तो उससे बरकतें हासिल होगी तो ये चीज़ें हैं जिनसे इंसान जो है बरकतों को हासिल कर सकता है और बरकत होगी तो ज़िंदगी यकीन कामयाब होगी और हम सबको इसकी ज़रूरत है और बरकतें ख़त्म कर दी जाती हैं जब हराम चीज़ों का इरतक होता है मुनकरात होते हैं बुराइयाँ होती हैं तो ऐसी सूरत में बरकतें ख़त्म कर दी जाती हैं अगर माल को अल्लाह के रास्ते में न खर्चिया बुखली आ, क्या होता है बखीली कंजूसी इससे बरकतें छीन ली जाती हैं अल्लाह के नबीम शरमाते हैं रोजाना सुबह सुनिए हदीस को रोजाना सुबह जब बंदे उठते हैं दो फरिश्ते उतरते हैं रोजाना सुबह डेली मॉर्निंग दो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से उतरते हैं एक फरिश्ता कहता है अल्लाह आती خلفا खलफा आखिर अल्लाह आती मुनफिकन एक फरिश्ता दुआ देता है अल्लाह जिसने अपना माल तेरे रास्ते में खर्च किया अल्लाह उसके माल में चू बरकत फरमा फरिश्ते की जबान से दुआ किसके लिए माल की बरकत के लिए कौन से माल की बरकत के लिए जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया आप सुबह उठे आपने अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च किया तो अल्लाह फरिश्ता आपके माल की बरकत के लिए दुआ दे देता है और दूसरा फरिश्ता जो उतरता है वो क्या करता है वो कहता है अल्लाह आती मुमसिकन तलफा अल्लाह जिसने अपने माल को बचा के रखा अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च नहीं किया रोका तेरे रास्ते में खर्च करने से रोका अल्लाह तू उसके माल को बर्बाद कर दे क्या कर दे माल को बरगा बर्बाद ये सुबह जो है रोजाना फरिश्ते जो है आ, वो करते हैं क्या दुआ देते हैं एक दुआ देता है दूसरा बदुआ देता है जिसको हम कहते हैं बदुआ तो अगर दुआ चाहिए फरिश्ते की फरिश्ते की तो माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए उसमें बरकत होगी अल्लाह फायदा देगा और थोड़ा माल भी आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद हो जाएगा इन लेकिन अगर हम माल को अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करेंगे खैर में तो ऐसी सूरत में फिर माल तबाह हो जाएगा ख़राब हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा जैसा कि इस दुआ से मालूम हुआ तो ये चंद बातें थी जो बड़ी अहम बातें थी आ, हमने जो है खुतबे की रोशनी में आपकी खिदमत पे, पे पेश की हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तोफीक दे समझने की अल्लाह तुझसे जुड़े रहने की तुझसे ताल्लुक़ क़ायम करने की तेरा जिक्र करने की तुस्से बरकतों को हासिल करने के अल्लाह हम सबको तोफ़ी फरमा। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को पाबंद बना दे शर को बिदअत से दूर रखे और ये जो खैर के रास्ते हैं जिससे बरकतें हमें हासिल होती हैं अल्लाह इन रास्तों पर अमल करने के हम सबको तोफ़ी अता फरमा आमीन बाखिरबिला है अशदुल्लांता